हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज का वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम आप सबको बताने वाले हैं भोजपुरी के उन बड़े बड़े कलाकारों के बारे में जिन्होंने अपने अपने बच्चे को भी भोजपुरी फिल्म में उतार दिए। मेरा मतलब है कि उनके बच्चे भी भोजपुरी फिल्म करते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भोजपुरी फिल्मों में माँ का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री। हालांकि ये असली में बहुत ज़्यादा यंग हैं, जवान हैं। इनके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, अगर आप सब उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के लास्ट में आप सबको वो वीडियो मिल जाएगी। फिलहाल इनकी बच्चे की बात करते हैं। सो दोस्तों, इनका नाम है अनीता रावत। इनको एक बेटी है, उनकी बेटी का नाम है अदिति रावत, और अदिति रावत भी भोजपुरी फिल्म की है। फिल्म का नाम था जुगनू। जी हाँ दोस्तों, जुगनू फिल्म में जो बच्ची थी वो अनीता रावत जी की अपनी बेटी अदिति रावत थी। और आप सब तो जानते ही हैं कि जुगनू फिल्म कितनी ज़्यादा हिट रही। इस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवॉर्ड भी मिला है। अदिति रावत की और भी आगे आपको भोजपुरी फिल्म देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ की। निरहुआ जी को दो बेटे हैं, इनके दोनों बेटे भी भोजपुरी फिल्म किए हैं। फिल्म का नाम था घूंघट में घोटाला 2। इस फिल्म में बहुत सारे अनाथ बच्चे रहते हैं, उसी सीन में निरहुआ के दोनों बेटे भी थे। साथ ही निरहुआ के छोटे बेटे एक और भी फिल्म किए हैं भोजपुरी में। फिल्म का नाम था जैसी करनी वैसी भरनी। इस फिल्म में जो छोटा बच्चा था वो निरहुआ का छोटा बेटा था। निरहुआ के छोटे भाई परवेश लाल यादव, उनको एक बेटा और एक बेटी है। परवेश लाल यादव जी के बेटे भी भोजपुरी फिल्म किए हैं। फिल्म का नाम था घूंघट में घोटाला 2। इस फिल्म में परवेश लाल यादव जी का बचपन का किरदार उनका अपना बेटा ही निभाया था। निरहुआ के चचेरे भाई मिठाई लाल यादव, उनको भी दो बेटे हैं। मिठाई लाल यादव के बेटे भी भोजपुरी फिल्म करते हैं। फिल्म का नाम था निरहुआ रिक्शा वाला 2। इस फिल्म में निरहुआ के बचपन का किरदार मिठाई लाल यादव जी का अपना छोटा बेटा ही निभाया था। उस बच्चे का नाम है सुजीत लाल यादव। मिठाई लाल यादव जी के बड़े भाई प्यारे लाल यादव, उनका बेटा भी भोजपुरी फिल्म करते हैं। फिल्म का नाम था घूंघट में घोटाला 2। इस फिल्म में जो अनाथ बच्चों का गुंडा होता है वो प्यारे लाल यादव जी का अपना बेटा था। अब बात करते हैं यश मिश्रा की। यश मिश्रा और अंजना सिंह को एक बेटी है अदिति मिश्रा। अदिति मिश्रा भी भोजपुरी में फिल्म की है। अभी हाल फिलहाल ही अदिति मिश्रा की नई फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था लाडो, और लाडो फिल्म इनके पापा ही बनाए थे। और ये फिल्म बहुत ज़्यादा हिट रही थी, दर्शकों ने खूब पसंद किया था फिल्म को भी और अदिति को भी। अब बात करते हैं खेसारी लाल यादव की। खेसारी लाल यादव जी के बेटी के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। इनकी बेटी की पहली फिल्म थी भोजपुरी में दुल्हिन गंगा पार के। फिल्म तो सुपर हिट रही, पर उसके बाद खेसारी लाल की बेटी दूसरी किसी फिल्म में दिखाई नहीं दी। और अब तो कृति यादव मीडिया के सामने भी नहीं आती है। रवि किशन की बेटी भी फिल्म की है, पर भोजपुरी नहीं, हिंदी में फिल्म की है। लेकिन इनकी फिल्म की कहानी बिहार की असली कहानी पर ही फिल्म बनी थी। फिल्म का नाम था सब कुशल मंगल, और ये रवि किशन की छोटी बेटी की पहली फिल्म थी। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है हमारी छोटी सी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब नहीं करते आप सब, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारी अगली वीडियो जब भी आए तो आप सबको पता चल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।